हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से हम क्रिएट एन अकाउंट पे बात करेंगे। और आई होप सो कि मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेशकीमती मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। इसको यूज़ करने से ना कि सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, बल्कि जब जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये बात याद आएगी कि हाँ, आपने कुछ अच्छा सीखा था। और अच्छे लोगों को ये भी याद आएगा कि यस, बुशरा मैम से सीखा था। चलिए तो आगे चलते हैं। और जीमेल में मैंने आप लोगों को बताया कि हम मोहित का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और मैंने यूज़र नेम तक आपको बता दिया है कि यूज़र नेम या तो यूनिक होना चाहिए या फिर उसमें कुछ आप एडिट करके देख सकते हैं आपने जो डाला है। और नहीं तो मतलब यूनिक तो और नहीं ऑप्शन देता है जो गूगल, तो उसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जो ईमेल आईडी वो दिखा रहा है, और जो ऑप्शन सेलेक्ट करें उस पर एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आप टैब से फिर टैब से पासवर्ड पे आ जाइए। वैसे तो पासवर्ड पे खुद फोकस आ जाएगा, नहीं तो टैब से पासवर्ड पे आ जाएं। पासवर्ड आप डालेंगे, पासवर्ड जो होना चाहिए वो कम से कम 8 मतलब कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 8 और मोर ऑफ 8 कैरेक्टर। पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स और मोर या एबव ऑफ 8 कैरेक्टर, मोर ऑफ 8 कैरेक्टर या एबव ऑफ 8 कैरेक्टर, ठीक है। तो एक कैरेक्टर्स एस लगेगा क्योंकि कैरेक्टर्स की बात है। और एक बात तो ये हो गई, एक नियम तो ये हो गया कि पासवर्ड में जो होना चाहिए वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने ये बात नहीं कही है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर सिर्फ अल्फ़ाबेट होंगे या सिर्फ डिजिट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा अभी। कैरेक्टर कहा है तो कैरेक्टर से हम क्या समझें। तो दूसरा नियम ये लगता है, दूसरा नियम लगेगा कि पासवर्ड शुड बी क्रिएट इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स एंड पासवर्ड शुड बी क्रिएट अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, यानी बोथ ऑफ यू कैन यूज अल्फाबेट्स एंड क्या बोथ ऑफ यू कैन यूज अल्फाबेट एंड डिजिट्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यू शुड बी यूज बिकॉज आपको करना चाहिए, क्योंकि शर्त है आपको अल्फाबेट्स पे नहीं बनाएंगे और खाली कैरेक्टर्स पे मतलब सॉरी डिजिट्स पे नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई 8 कैरेक्टर होने चाहिए। लेकिन दूसरी शर्त ये भी बताई है कि पासवर्ड जो होना चाहिए उसमें दोनों इंक्लूड होना चाहिए, दोनों ऐड होना चाहिए। क्या क्या, नंबर 1 अल्फाबेट्स, नंबर 2 डिजिट्स। तो इफ यू वांट टू क्रिएट पासवर्ड यू हैव टू यूज फर्स्ट लेटर्स यानी अल्फाबेट और या एंड करेंगे या ओ या नहीं है एंड डिजिट्स, यानी अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स दोनों से मिलके बनेगा। और वैसे बताऊं अल्फाबेट का जो सिंगल यूज करते हैं हम वो लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेटर। अल्फाबेट किसी छोटे वर्ड को कहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे लेटर यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ भी कह लीजिए, अल्फाबेट भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो अल्फाबेट और डिजिट से मिलके बनेगा पासवर्ड। अब जैसे ही मोहित का हमने लिया, मोहित का जैसे हमने यूजर नेम लिया, गूगल का ऑप्शन हम लेना चाहते थे तो हम गूगल ने जो आईडी दिखाई थी हमें, जीमेल आईडी, उसमें से एंटर किया हमने, या फिर हमने उसमें कुछ यूनिक डाल के बनाया। तो डाल जैसे ही हमने एंटर किया या हमने यूनिक डाल के तो यार मतलब डाल देंगे, फिर टैप करेंगे, अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया होगा तो ऑप्शंस नहीं दिखाएगा, और नहीं एक्सेप्ट किया होगा तो ऑप्शन दिखाएगा। तो जैसे ही हमने टैप किया फिर उन्होंने कहा पासवर्ड। तो पासवर्ड का पहला नियम क्या है कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हम यहाँ डालते हैं मोहित 9191, ऐसे डाल देते हैं मोहित 9191, या सिर्फ मोहित 91 डाल दीजिए। तो MOHIT 91, ये तो 7 हो गए, नहीं पासवर्ड नहीं बना क्योंकि 7 हमने कैरेक्टर ले लिए। तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं मोहित 911, क्या मोहित 911, MOHIT
पांच लेटर हो गए, 911 कर दिया, तो ये हो गया हमारा 8 कैरेक्टर। अगर मैं इसको कर दूं मोहित गुप्ता, तो ये पासवर्ड नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा उसकी? क्योंकि आपको दूसरा नियम जो बताया वो क्या बताया है? दूसरा नियम ये बताया है कि पासवर्ड में दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या? अल्फाबेट्स एंड लेटर।